जय मीरा बाबा की। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो का जो विषय है कि मीरा साहब को मानने वाले भक्त, जो भक्त मीरा बाबा जैन कबीर को मानते हैं और दुखी परेशान रहते हैं, वो ये पांच बुधवार ये दो काम कर लें, जरूर मीरा बाबा की कृपा प्राप्त होगी, चाहे कितनी भी दुख हो। जिन भक्तों की फरियाद नहीं लगती, की हुई फरियाद बाबा तक, मीरा साहब तक नहीं पहुंचती, वो जरूर कर ले ये दो काम, तो यकीनन उन्हें लाभ प्राप्त होगा। पर सबसे पहले सभी भक्तों से मैं विनती करता हूं कि वह इस वीडियो को पूरा जरूर सुने और हर बात को समझने की कोशिश भी करें। दोस्तों, घर में दुख आना, किसी भी फरियाद का मीरा बाबा तक ना पहुँचना, या फिर कुछ भक्तों के कुछ सवाल भी होते हैं कि हम घर में चिराग भी रोशन करते हैं, हर एक अमल हर एक विधि अपनाते हैं कि बाबा जी राजी हो जाए, पर हमारी कोई भी फरियाद ऊपर नहीं चढ़ती। दोस्तों, हमारा निराश होना भी स्वाभाविक है, हम भी इंसान हैं, हम अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ते, फिर भी हमें मनचाहे फल प्राप्त नहीं होते। कई बार हम हिम्मत हार जाते हैं, हम इतनी भक्ति करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, मीरा बाबा पर इतना विश्वास करते हैं, फिर भी हमारी फरियाद कबूल क्यों नहीं होती, मीरा बाबा ने हमारे ऊपर से अपना हाथ क्यों हटा लिया है। तो दोस्तों, हर भक्त की जिंदगी में एक ना एक बार तो ऐसा वक्त आता है जहां आपको लगता है कि हमारे बाबा ने हमारा साथ छोड़ दिया है, क्योंकि दोस्तों समय ही ऐसा आ जाता है कि हमारे हर काम में रुकावट आ जाती है, घर में तंगहाली परेशानी का माहौल बन जाता है। बाकी दोस्तों, कई बार तो ये हमारी ही कुछ भूल चूक हो जाती है और कई बार हमारे बाबा जी भी हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं, क्योंकि दोस्तों मीरा बाबा जी के जितने भी भक्त हुए हैं, बाकी जो भी देवी देवता जिन पर वे विश्वास रखते हैं, तो दोस्तों अगर आप उन भक्तों को देखेंगे तो फिर आपको ये पता चलेगा कि हर भक्त की जो देवी देवता या पीर है वह परीक्षा जरूर लेते हैं। हर भक्त का एक न एक बार बुरा समय जरूर आता है, लेकिन इसमें बाबा जी को ही अपने भक्तों का बेड़ा पार लगाना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों उन भक्तों का बेड़ा भी इस तरह बनने लग गया क्योंकि उन भक्तों ने भी अपने कुल देवता में विश्वास बनाए रखा। हमारी जिंदगी में इतने दुख नहीं आए जितना उन भक्तों ने अपनी जिंदगी में सहे हैं, पर फिर भी उन भक्तों ने अपना भरोसा अपने देवता अपने पीर पर बनाए रखा। बाकी दोस्तों, जो आज के लोग हैं, या फिर हम अपनी ही बात कर लेते हैं, थोड़ी बहुत मुसीबत आते ही हम अपने कुल देवता पर शक करने लग जाते हैं, बाबा जी की शक्ति पर शक करना शुरू कर देते हैं और बाबा जी को बोलने लग जाते हैं। तो फिर दोस्तों, आज उन दो अमलों के बारे में बात करेंगे, अमल कह लो या विधि कह लो, अगर वो अमल हम पांच बुधवार करते हैं तो हम अपने मीरा बाबा की जो कृपा है उसे दोबारा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बुधवार को मीरा बाबा का चिराग रोशन करते हैं, पर आपको क्या करना है, आपको पहला काम जो करना है, पांच बुधवार मीरा बाबा की घर में चौकी भरनी है, आपको पांच बुधवार उनकी हाजिरी में सोना है। प्यारे दोस्तों, चौकी का मतलब ये नहीं कि आप घबरा जाओ, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, पूजा स्थान को बिल्कुल साफ करना है, जिस दिए का इस्तेमाल आप चिरागी में करते हो वो बिल्कुल साफ आपको कर लेना है, उसे सजाना है, दरबार को आपको सजाना है, आप फूल मालाओं का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, बाबा को आपको भोग लगाना है, मीरा बाबा जैन कबीर माँ काली का आपको चिराग करना है। अगर चिराग आप किसी कमरे में करते हो तो उस कमरे में चिरागों की तरफ सर करके आपको सोना है। कहने का मतलब पांच बुधवार आपको बाबा की हाजिरी में सोना है। दोस्तों, ये आपको इसलिए भी करना है, कई बार हम अनजाने में गलती कर देते हैं जिस कारण मीरा बाबा जी हमसे मुंह मोड़ लेते हैं। बहुत से तो ऐसे हैं जिन्हें अपनी गलती का पता भी नहीं चलता, तो उन्हीं हाल में आपको ये पता ना चले कि गलती क्या हुई, या फिर मीरा बाबा को मनाना हो तो आप आत्मसमर्पण कर दो, मतलब कि चौकी भर दो। पांच बुधवार ये चौकी भरनी है, जब आप ऐसा करते हो तो बाबा जी तक, मीरा साहब तक ये संदेश जाता है कि है बाबा, हम तुझसे बड़े नहीं है, हम तो तेरे भक्त है, तेरे दर के मुरीद है, हमारी जगह आपके पैरों में है। जब भी दोस्तों ये चौकी भरते हो तो आपको मीरा बाबा को ये एहसास दिलाते हो कि है मीरा बाबा, हमने तेरे आगे आत्मसमर्पण किया है, हमने अपने आप को तुझे सौंप दिया है, क्योंकि उस रात हम अपने मीरा बाबा की कचहरी में होते हैं, तो हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। जो भक्त अक्सर कहते हैं कि हमारा दिल उदास रहता है, घर चिंता के कारण
हमें नींद नहीं आती। वे एक बार मीरा बाबा की चौकी जरूर भर के देखो, आप खुद देखना कि आप कितना आप हल्का महसूस करते हो। क्योंकि दोस्तों हर इंसान तड़पता फिरता है, या फिर कह लो भागम भागी में लगा हुआ है, जिस कारण वो अपने मीरा बाबा में ध्यान नहीं लगा पाता। जब बाबा जी हमसे मुंह मोड़ लेता है तो फिर हम मिन्नतें करते हैं। इसलिए दोस्तों शुरू से ही इन बातों पर ध्यान देना शुरू कर दो। अब दूसरा काम दोस्तों जो आपको करना है, इस बात पर जरा गौर करना कि हमारे घर के जितने सदस्य हैं, जिस सदस्य ने सबसे ज्यादा गलत काम किए हैं, चाहे वो नशा करता है या चाहे उसने कभी मीरा बाबा को बुरा भला बोला है, उसे 5 बुधवार अपने हाथों से मीरा बाबा जैन कबीर माँ काली का चिराग रोशन करना है। दोस्तों हो सकता है ये आपके लिए आसान न हो। आप अपने घर के सदस्य को मनाओ, उसके हाथों कोई भी भूल चूक हुई हो या फिर जिसने किसी समय बाबा को बुरा भला बोला हो, वो सच्चे दिल से बाबा जी के आगे विनती करे, अपने गुनाहों की माफी मांगे। क्योंकि दोस्तों जितना भी ये बुरा समय होता है या फिर हमारे बाबा जी नाराज होते हैं, तो ये हमारी ही गलतियां होती हैं। क्योंकि दोस्तों जिस व्यक्ति का यकीन नहीं है या फिर आपके जो घर का मेंबर है, अगर उनका मीरा बाबा में विश्वास नहीं है तो वो बाबा जी को कुछ गलत भी ना बोले। और जिस भक्त का मीरा बाबा में विश्वास है, उसकी सेवा पूजा पाठ में घर का कोई सदस्य रुकावट भी पैदा ना करे। दोस्तों बाकी दिन तो चलो नशे जैसी गलतियां कर लो, लेकिन बुधवार का जो दिन है उसमें आपको जरूर परहेज करना है, वो उसका आपको जरूर ध्यान रखना है। और दोस्तों आपको बाबा के दरबार पर चक्कर लगाते रहना है, क्योंकि दोस्तों जिसे जरूरत है वह करता है। आपको बाबा जी को खुश करना है, राजी करना है, मीरा बाबा की कृपा को प्राप्त करना है, मीरा बाबा के दरबार पर आपको जाना ही पड़ेगा। और जो लोग घर में चिराग रोशन नहीं करते तो वह घर में चिराग करें और बाबा जी के दरबारों पर जाते रहें। बाकी दोस्तों जो अच्छे काम है वो कभी करने नहीं छोड़ने चाहिए। दान और सेवा से कभी भी अपने हाथ पीछे नहीं करने चाहिए। बुधवार के दिन भी आप दान कर सकते हो। दोस्तों मैंने पहले भी कहा है और फिर से कहता हूँ कि भक्त को बुरा वक्त जरूर आता है। हर भक्त की मीरा बाबा ने परीक्षा ली है और उन्हीं भक्तों का बाबा जी ने बेड़ा भी पार लगाया है, जिन भक्तों ने अपने कुल देवता में भरोसा बनाए रखा। इसलिए जो लोग मीरा बाबा को मानते हैं वो अपने दिल से ये बात हटा दें कि बाबा ने उनका साथ छोड़ दिया है। क्योंकि दोस्तों ये भी एक दौर होता है जो भक्त के समय में आता है। जो भक्त अपना विश्वास बनाए रखते हैं तो उस भक्त का बाबा ने एक न एक दिन तो बेड़ा पार लगाना है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे यही कहता हूँ कि अच्छा बुरा समय तो आता रहेगा। आप अपने कुल देवता में, अपने पीर में जो आपका विश्वास है, आप उसे बनाए रखें। बोल मीरा बाबा की जय, बोल जैन का वीर की जय। प्यारे दोस्तों ये थी आज की खूबसूरत वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मीरा साहब जैन कबीर माँ काली से जुड़ी हुई इसी तरह की और वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आप हमेशा खुश रहे, आप हमेशा तरक्की करें, मीरा बाबा जी आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय मीरा बाबा, जय जैन कबीर, जय काली माता, जय पांचों पीर।